नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखने आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और सीधे आपको झाबुआ ले चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मैं देख रहा हूं कि यहां से लेकर उस बिल्डिंग तक चारों तरफ जनता ही जनता दिखाई दे रही है। अगर ये बैठ जाएंगे तो पीछे वाले भी सुन पाएंगे और देख लेंगे, कोशिश करें बैठ जाए। मैं जानता हूं बैठने की जगह नहीं है। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोमान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय कल सिंह भावर जी, वरिष्ठ नेता जिन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ दी कि कांग्रेस ने अच्छे लोगों की कभी कदर नहीं की, ना आदिवासियों की कदर की, ना जनता की कदर की। और जो छोड़कर भारतीय जनता में आई श्रीमती सुलोचना रावत जी, अरे अपने परिवार में आइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह नायक जी, अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष बाकी सिंह ठकराला जी, हमारी वरिष्ठ नेता सुश्री निर्मला भूरिया जी, भाई शांतिलाल दिलवाई जी, भाई नागर सिंह चौहान जी, बहन रंजना बघेल जी, हमारे विधायक साथी पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता दादा माधव सिंह डावर जी, राम डागोरे जी, दिलीप मकवाना जी, विशाल रावत जी, संगीता चारे जी, संगीता सोनी जी, जयदीप पटेल जी, भानु भूरिया जी, बंटी डामोर जी, सुनीता अजनार जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, कृष्णपाल राठौर जी, गौरव खंडेलवाल जी, सोम सिंह सोलंकी जी, भाई विशाल रावत जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, और जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे दिखाई पड़ रहे मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के राम राम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। आज 5 अक्टूबर है, राणा पुंजा की भी आज जयंती है। राणा प्रताप के सेनापति, उनके साथ देश धर्म और संस्कृति की लड़ाई लड़ने वाले राणा पुंजा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज रानी दुर्गावती की जयंती है, खून की अंतिम बूंद दे दी लेकिन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की रानी दुर्गावती ने, राणा पुंजा ने। ये हमारे गौरव, ये हमारे महापुरुष है जो ये सिद्ध करते हैं। आदिवासी भाई बहन अपने देश और धर्म संस्कृति पर जान दे सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते, झुक नहीं सकते, हट नहीं सकते। तंचा मामा हमारे आदर्श, भीमा नायक, खज्जा नायक, रघुनाथ साह, शंकर साह, भोपाल की रानी कमलापति, इन्हें यह सिद्ध किया है स्वाधीनता के लिए, स्वाभिमान के लिए जान देना स्वीकार है लेकिन कदम पीछे हटाना स्वीकार नहीं है। कांग्रेस ने कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं किया, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे कहते हुए
कि चाहे टंका मामा का खंडवा में राम डांगोरे बैठे, अगर स्मारक बनाया तो कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया। भीमा नायक का स्मारक भाजपा ने बनाया, रघुनाथ शाह शंकर शाह का स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हम इनकी पूजा करते हैं। मेरे आदिवासी भाई बहनों, जनजाति भाई बहनों, 50 साल कांग्रेस ने केवल आदिवासियों का शोषण किया है, ठगा है, षड्यंत्र किया। मेरा आरोप शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया आदिवासियों के बच्चों की, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, आदिवासी क्षेत्रों के विकास पे कभी ध्यान नहीं दिया, रोजगार पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो ये चाहते थे कि ज्यादा पढ़े नहीं, ज्यादा पढ़ गए तो हमारे कान काटेंगे, हमारे आगे निकल जाएंगे, ये हमारे पीछे घूमे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही बोल रहा हूं कि नहीं? आज इतनी बड़ी सभा है, जरा कलेजे पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता देना। ये झाबुआ में, अलीराजपुर में, खरगोन में, बड़वानी में, धार में, बताओ कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाई थी क्या? पीछे तक जवाब देना, मुझे हाथ मत हिलाना, आज मामा पूछ रहा, बताओ कांग्रेस ने सड़कें बनाई थी क्या? वो चाहते थे गड्ढों में ही रहे। मामा नर्मदा जी का पानी अलीराजपुर में भी ला रहा है और झाबुआ में भी ला रहा है। बोलो सबको पता है कि नहीं? ऐसे नहीं भैया, मामा आज बात करने आया है। बताओ कांग्रेस ने कभी नर्मदा जी का पानी दिया, माही का पानी दिया? वो चाहते थे आदिवासी की जमीन उबड़ खाबड़ रहे, उसमें कुछ पैदा ही नहीं हो, सूखे में छोड़ दिया कांग्रेस। कांग्रेस ने सड़कें नहीं दी, कांग्रेस ने सिंचाई नहीं दी, कांग्रेस ने इतने स्कूल और कॉलेज कभी खोले क्या मेरे बहनों और भाइयों? ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ मामा ने जितने स्कूल और कॉलेज खोले कांग्रेस ने खोले क्या? वो स्कूल नहीं खोलते, वो कॉलेज नहीं खोलते थे, वो आश्रमशाला नहीं खोलते थे, वो छात्रावास नहीं खोलते थे, क्योंकि जानते थे कांग्रेसी कि पढ़ गए तो हमारी सल्तनत का क्या होगा, हमारी सत्ता का क्या होगा, बिना पढ़े ही रहो। 50 साल राज किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, सोनिया मैडम, और बताना पड़ेगा रे कमलनाथ, दिग्गिराज तुमको भी, कितने खोले तुमने? इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हमने, खोला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला तो हमने खोला, अलग अलग इलाकों में आश्रमशाला है, छात्रावास। अरे मामा ने देखा कि भांजियां पढ़ने कम जाती है तो गांव गांव हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल कांग्रेस ने नहीं खोले, मामा ने खोले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले। और जब मैंने देखा मेरी बेटियां पढ़ने दूसरे गांव कम जाती है तो साइकिल कांग्रेस ने नहीं दी, साइकिल भी मामा ने दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटियों को दी। मेरे बेटा पढ़े, मेरी बेटियां पढ़े, जनजाति आदिवासी बेटा बेटी पढ़े। कांग्रेस के जमाने में 300 रुपया देते थे छात्रवृत्ति, अगर बढ़ा के 1000 से लेकर 1300 रुपया तक की तो मामा ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, कब कांग्रेस ने की? अरे विदेश में जाके भी अगर ट्राइबल बेटा बेटी को भी पढ़ाई करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो 15 लाख 20 लाख रुपया साल की फीस हो तो कभी कांग्रेस ने नहीं भराई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि हम भरवाएंगे, विदेश पढ़ रहे के भी आओ मेरे बेटा बेटियों। अनेकों संस्थाएं, जब देखा कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे ज्यादा,
इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, हॉस्टल में जगह नहीं मिलती, तो हमने बनाई छात्रवृत्ति छात्रगृह योजना और तय की कि हमारा ट्राइबल बेटा बेटी अगर इंदौर और भोपाल में पढ़ेगा और कमरा किराए पे लेके रहेगा तो कमरे का किराया भी माता पिता मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगा। कहा योजना भी बंद कर दी, मुख्यमंत्री छात्र जय 13 महीना 15 महीना क्या है सब बंद। और इसीलिए तो हमारे तीन नेता बैठे गोविंद सिंह जी, राज्यवर्धन जी, महेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा हाथ जोड़ी जैसी कांग्रेस के जो जनता के दुश्मन है छोड़ छाड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस ने केवल तबाह किया है, बर्बाद किया है, कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने अनेकों योजना शुरू की, 2000 करोड़ की नर्मदा जी को लाने की योजना। और मेरी बहनों, केवल सिंचाई का नहीं, अब पीने का पानी भी घर घर नल लगा के पाइपलाइन बिछा के मोदी जी के आशीर्वाद से टोटी वाले नल लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी पिलाएगी, हैंडपंप पर पानी भरने नहीं जाने देगी बहनों को। सब बजे सी योजना बंद कर दी। आज मैं फिर कहने आया हूं 50 साल कुछ नहीं किया, फिर 15 महीना कुछ नहीं किया, अब विकास की गंगा हमने फिर से प्रारंभ की है। संबल योजना बंद दी, चालू कर दी बहनों भाइयों, और सुनना मेरे बेटे बेटियों, आदिवासी बेटा बेटियों और बाकी गरीब बेटा बेटियों भी, अब पढ़ना। मामा कह रहा है अगर तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी आईआईएम कहीं भी होगा तो पूरी फीस अब माता पिता नहीं, फिर मामा भरवाएगा। रे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। उन्हें बंद किया, हमने चालू कर दी। बहनों को देते थे 2 बेटा बेटियों तक जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000। तेरा क्या जाता था रे कमलनाथ, लड़वा खाने के पैसा तूने बंद करवा दिए, मेरी बहनों के लड्डू के पैसा बंद करवा दिए, एक्सीडेंट को मौत पर देते थे 4 लाख वो बंद करवा दिए, सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे वो बंद करवा दिए, अरे और अंतिम संस्कार के लिए 5000 देते थे वो कफन के भी 5000 छीन लिए कमलनाथ और कांग्रेस ने। बहनों और भाइयों, कफन के 5000 छीन लिए। लेकिन अब सरकार बदल गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मामा मुख्यमंत्री और मोदी जी का आशीर्वाद है। और आज कहने आया हूं, आज का यह कार्यक्रम नहीं है, ये गरीब ट्राइबल की जिंदगी बदलने का अभियान आज से प्रारंभ हो रहा है, जिंदगी बदलने का अभियान। और मैं कई चीज आपने देखी है, सुनो मेरे बेटे भाइयों, कई जगह में गया, लोगों ने बताया एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, सास ससुर बेटा बेटी बेटी बेटा बहू, रहने की जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है, साफ सुन ले कहे कलेक्टर भाई, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, एक यूनिट सर्वे कर लेना और जिनके घर में एक से ज्यादा परिवार रह रहे हैं उनको प्लाट दे के अलग से जमीन का मालिक बनाऊंगा, हर परिवार का अपना प्लाट होगा। और केवल प्लाट नहीं, जैसे विष्णुदत्त जी कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान, अरे बताओ रे मेरे बहन और भाइयों, सबको रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं, अरे ऐसे नहीं सब बोलो रे होना चाहिए कि नहीं। आज मैं कह रहा हूं, महेंद्र सिंह सिसोदिया बैठे,
आवास प्लस का फिर से सर्वे होगा। 2011 की सूची में कहीं के नाम ही नहीं है, और जाओ तो कहते सूची में नाम नहीं है, मकान नहीं मिलेगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ये मंत्री है ग्रामीण विकास के, और कलेक्टर यहां खड़े हैं, आवास प्लस का फिर से सर्वे करवाओ। और जिन गरीबों के आवास की योजना में नाम छूट गए, नाम जुड़वाओ, मामा मकान बनवाएगा, भाजपा मकान बनवाएगी। अरे सीटी एक बार और बजाओ, ये तो जिंदगी बदलने का अभियान है। आज नया इतिहास लिखा जा रहा है, सुन लो। हाँ मैं सच बोलता हूं, एक साल में सबके नहीं बने। इस साल कितने मकान बन रहे हैं? 24,000 ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में अलग बनेंगे। तो अगले साल 24,000, उसके बाद 24,000, उसके बाद 24,000, जब तक सबके मकान नहीं बन जाते, ये बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। बोलो भारत माता की। और सुनो भैया, माधव दादा नागर सिंह आपके संग हम गए थे, तो कई लोगों ने बताया वो बंटवारा नामांतरण, अरे बाप दादों के नाम की जमीन, दादा भी, दादा के परदादा भी, बेटा नाती पोता, बंटवारा हुए ही नहीं, योजना का नाम मिलते ही है, लाभ मिलते ही है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बताओ सही बात है कि नहीं? तो पूरे ट्राइबल बैंक में अलीराजपुर जिला छोड़ के, जहां चुनाव वहां छोड़ के, बाकी सब जगह 7 तारीख से अभियान चलेगा, और नामांतरण और बंटवारा अभियान चला के करवा दिया जाएगा। और मेरे नेता बैठे, आपका काम है कि ढंग से हो जाए, और कलेक्टर हैं, बाकी भी सुन रहे होंगे अलीराजपुर और बाकी जहां चुनाव छोड़ के, इसमें अगर एक भी पैसा किसी ने ले लिया तो नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। नामांतरण होंगे, बंटवारे होंगे, गरीब आदिवासी भाई बहनों को न्याय मिलेगा। हमारे कई तरह की परंपराएं, एक न्याय का परंपराएं, हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, और इस जनजाति आदिवासी संस्कृति पर हमें गर्व है, हमें गर्व है। आज मामा ने भी तीर कमान पर तीर चढ़ाया है, और ये इसलिए चढ़ाया है कि विकास की नई ऊंचाइयां छुए, और अगर कहीं सरकार में गड़बड़ होती है तो फिर तीर सीधे निशाने पे जाके लगेगा। यह विकास का संकल्प है, यह जनकल्याण का संकल्प है, और जो हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़े। अरे हमारी संस्कृति में आनंद है, मस्ती है, हर साल धूमधाम से झाबुआ उत्सव मनाया जाएगा, जहां बेटे बेटी कलाकार उनको अपनी कला के प्रदर्शन का पूरा अवसर मिलेगा। और सुनो भैया और बहनों भी, अभी भाजपा की सरकार मोदी जी नवंबर तक फ्री में राशन दे रहे हैं, और मामा का आते ही 1 रुपया किलो महीना। अरे राशन आता कि नहीं आता दुकान पे? सब पता आता कि नहीं? और कोई नाम छूट गया हो तो भाई ध्यान रखना, नाम छूट गया तो जोड़ लेना, फिर से पात्रता पर्ची बना देना। मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है।
लेकिन राशन की दुकान थोड़ी दूर दूर है कि नहीं बताओ? अरे सब बताओ, है कि नहीं? तो बताओ, अपने गांव पे जाकर राशन मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुन लो, राशन आपके द्वार मतलब दुकान पे नहीं जाना, गाड़ियों में भरा के वो राशन आपके गांव आएगा। बोलो आना चाहिए कि नहीं? इधर वाले भी बताओ, आना चाहिए कि नहीं? तो गाड़ियों में राशन भराएगा, अपने गांव में आएगा, और आदिवासी नौजवान ही गाड़ी का मालिक होगा। रे वो ही गाड़ी चलाएगा, चलाएगा मतलब ड्राइवर थोड़ी हो, क्या होगा? मालिक। हम गारंटी लेंगे बैंक की, उसको गारंटी नहीं देनी, और बैंक उसको फाइनेंस करेगा, और 26,000 रुपया महीना उसको देंगे, 10,000 में किस्त निकल जाएगी, 16,000 में राशन बांटेगा और रोजगार भी मिल जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? भैया सब बात करो यार मामा से आज, बोलो सही है कि नहीं? अब हमारे घर हमारा बच्चा राशन पहुंचाएगा, रोजगार भी मिलेगा, और ढंग से राशन नहीं तो एक दिन की मजदूरी बिगड़ जाती है। राशन लेने का एक दिन की मजदूरी चली जाती कि नहीं? इसलिए घर पे ही आए यार, मामा है तो काहे की चिंता? इसलिए राशन आपके द्वार। अच्छा भैया एक बात बताओ, कांग्रेसियों यहां तो होंगे नहीं, जाओ वहीं सुन लो, सुन लो कांग्रेसियों, दिलीप सिंह भूरिया जी ने, स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया, उनको मैं प्रणाम करता हूं। झाबुआ का नाम अमर कर दिया दिलीप सिंह भूरिया जी ने, उन्होंने पेशा एक बनाया, उसको बनाने में उनकी भूमिका थी। मनिया कांग्रेसियों, तुम्हारी सरकार थी 96 में मामा तो नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी। आज बड़े रोना रोते हो रे, तुमने पेशा एक क्यों लागू नहीं किया ये तो बता दो, ये कभी नहीं करेंगे, आदिवासी को हक नहीं देने वाले, इतना पैसा एक लागू नहीं किया, और मेरे गैर जनजाति सामान्य पिछड़ा वर्ग वाली भाई बहन सुन ले, कोई नुकसान नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, ये गारंटी मेरी है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। अब खुद ने लागू नहीं किया, अब हम कर रहे करें, नहीं गड़बड़ होगी, किसी को निकाल देंगे, बिल्कुल झूठी बात। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ आदिवासी के आगे बढ़ने का मतलब नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, वो भी आगे बढ़ेगा, आदिवासी भी और बाकी का भी फायदा होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वचन है। 5,800 पंचायत बाकी ग्राम सभा चिन्हित करेंगे, ग्राम सभा का सीमांकन होगा, ग्राम सभा चिन्हित होने के बाद फिर ग्राम सभा की वोटर लिस्ट बनेगी, ग्राम सभा के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, और जो आदिवासी माहौल है वहां अध्यक्ष आदिवासी होगा, लेकिन सदस्य गैर आदिवासी भी होगा, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली, और उनको फिर अधिकार दिए जाएंगे, आर्थिक सशक्तिकरण, 15वें वित्त आयोग का जो पैसा वो सीधे ग्राम सभाओं के पास जाएगा, गांव के प्लानिंग भोपाल के बल्लभ भवन में बैठ के नहीं होगी, ना झाबुआ में बैठ के कलेक्टर तय करेंगे गांव।